हमारे साथ है फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर राइटर, एक जमाने में एक्टर भी रहे हैं, 25 फिल्में की है, और आज के सुपरस्टार सलमान खान के पिताजी, लेकिन अपने आइडेंटिटी में सलीम खान। नमस्कार सलीम खान जी। शुरुआत करते हैं कि लता मंगेशकर जी, लता दी और आपके बीच एक एक कनेक्शन है। बहुत बड़ा तो कनेक्शन ये है कि वो इंदौर की पैदाइश है, बिल्कुल, और क्रिकेट की बहुत शौकीन थी, और वो पैदा हुई हैं उस जगह के ऊपर क्योंकि जहाँ के ग्रेटेस्ट क्रिकेटर्स इंडिया के थे मुश्ताक अली और सी के नायडू, और होलकर टीम जो थी वो बहुत बड़ी स्ट्रांग टीम थी उस ज़माने में, और क्रिकेट के लिए बहुत मशहूर था इंदौर। बिल्कुल, क्योंकि आप भी इंदौर से आते हैं, आप भी क्रिकेट के बड़े शौकीन हैं, तो फिर ये म्यूजिक जो था, संगीत का जो ट्रेडिशन था जिससे लता जी का नाता है, वो भी बहुत इंदौर का बहुत था। बहुत बड़े बड़े सिंगर वहाँ से निकले हैं। लता जी का मतलब जब भी मिलता था मैं कभी, तो उनको कहते हैं इंदौर वाले, मैं गया भी था उनके घर इंदौर में, उनका घर अच्छा, देखा मैंने बाद में जब मुझे मालूम पड़ा कि ये इनका लता जी का घर आपने कहा कि जो उस तरह की जो आवाज है, है। हाँ और गुलजार साहब ने बड़ा अच्छा लिखा था किनारा पिक्चर में, मेरी आवाज ही मेरी पहचान है, पहचान आप कह रहे हैं कि 10 साल बाद, 20 साल बाद भी लता मंगेशकर अपने आवाज के लिए जानी जाएगी, क्योंकि वो गाने तब भी नहीं, वो लोग सुनेंगे। चलेंगे लाइफ भर चलेंगे, वो तो दुआ है उसके लिए तो मैं सब कुछ, वो जो पहला कहा कि अब ये पैसा जो है लक्ष्मी की देन है, एक जी झटके में चली जाती है, बिल्कुल, पता लगा कि सुबह नहीं है, रात को थी तो वो सुबह नहीं है, मगर ये जो देन है ये सरस्वती की देन, इनको वरदान है कि आप जिंदगी भर तक अरे चलेगी, वाह, तो यानी लक्ष्मी चली जा सकती है, लेकिन ये जी जो नहीं जा सकती। सरस्वती ने हाँ जो एक आवाज की हाँ देन दी है, हाँ कि मैं ये छीनने का अधिकार मेरे पास होगा, किसी से भी छीन लेंगे, मगर ये जो है कि छीनने का अधिकार मेरे पास नहीं होगा, जिंदगी भर तक चलेगी। सॉन्ग का एलिमेंट जो होता है, जी गाने का एलिमेंट, जैसे शोले ले जी लीजिए, योर अदर बिग फिल्म हाँ हिट, उसमें लता जी का एंड में गाना आता है जब हेमा मालिनी नाच रही है, जी जब तक है जा जाने जहां मैं नाचूंगी, हाँ ये जो एज अ राइटर डू यू कंसेप्चुलाइज द सॉन्ग एंड वुड लता जी टेक द सॉन्ग टू अनदर लेवल, जैसे आप मुगले आजम में लीजिए, अनडाउटेडली शी यूज टू टेक सॉन्ग्स टू द नेक्स्ट लेवल। एब्सोल्यूट। आई हैव ऑफन वंडर, जैसे मुगले आजम लीजिए, हाँ प्यार किया तो डरना नहीं, क्या, ऑन मधुबाला। किसी भी गाने में जो जान आ जाती थी तो उससे मतलब वो गाने कुछ और हो जाता था। यू नो, यू कैन टेक वहीदा रहमान जी, जीने आज फिर जीने की की तमन्ना है, तमन्ना है। वॉज इट द राइटर्स, द लिरिसिस्ट, आपको लगता है उनमें जादू था, साहिर हो, मजरू हो, कैफी आजमी साहब हो, शैलेंद्र हो, वॉज द जादू इन द लिरिक्स, वॉज द जादू इन द सॉन्ग, वॉज इट इन द म्यूजिक डायरेक्शन और सॉन्ग पिक्चराइजेशन बाय द लाइक्स ऑफ राज कपूर। नहीं, जो लिरिक्स होते थे वो जी डेफिनेटली बहुत अच्छे होते थे, मगर गाना भी तो चाहिए ना उसके लिए, उसी लेवल का, तो उनकी जो आवाज़ थी वो तो मतलब ये थी कि किसी, ऐसा लगता था कि कोई गैब से आवाज़ आ रही है कुछ। मैं आपको एक मुश्किल सा सवाल पूछूंगा, बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब किसी ने 10,000 या 30,000 से ज्यादा गाने गाए हो, अगर आपको मैं कहूं सलीम साहब, बेस्ट 3 सॉन्ग्स ऑफ लता, योर फेवरेट सॉन्ग्स, कौन सा सॉन्ग तुरंत याद आता नहीं है? सर, ये इतना मुश्किल सवाल है कि पूछो मत ये, और इट वुड बी वेरी अनफेयर कि इतने अच्छे गाने हैं कि कुछ पूछिए मत, कोई सा भी गाना किसी भी फिल्म का, यानी उस जिस ज़माने में छोटी फिल्में बनती थी उसके भी जो गाना चलता, इट इम्पॉसिबल है वो।